हेलो एवरीवन, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं कि उनको कैसे अपने को ड्राइव करना है और उनको कैसे जल्दी से उनके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो देखिए, डी जेड इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये कोई इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब इसके अंदर एम इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, जैसे आपने एक्स कॉन्स्टेंट करा या वाई कॉन्स्टेंट करा, कॉन्स्टेंट किस में हो सकता है, जिसके साथ ये डी लगा हुआ उन्हीं में क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के अंदर मान लीजिए कि अपने को वाई कॉन्स्टेंट रखना है, तो डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स और वाई कॉन्स्टेंट। यदि अपने को ये एक्स कॉन्स्टेंट रखना होगा तो क्या लिखेंगे, डी जेड डिवाइडेड बाई डी वाई और एक्स कॉन्स्टेंट, ओके। अब देखिए इसके अंदर जो सेकेंड जो पॉइंट है वो अपना देखिए, जो यूलर रूल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रॉस डेरिवेटिव्स होते हैं, जो भी इक्वेशन है उसके क्रॉस डेरिवेटिव होंगे वो एम एन विल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो उनके लिए देखिए कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स वाई। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई, तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई मीन्स जो अपनी इक्वेशन है उसका फर्स्ट ऊपर, फिर सेकंड जो है उसका सेकंड नीचे, और यदि ऐसे ही अपन दूसरे के लिए लिखेंगे तो इसका फर्स्ट ऊपर और अपॉन क्या लिखेंगे, इसका सेकंड नीचे, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरीके से अपन ने इसको लिख लिया है। इस इक्वेशन के अंदर क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये अपना फर्स्ट मान लिया और इसको अपन सेकंड ग्रुप मान लेते हैं, तो इस फर्स्ट का पहले लिखेंगे फर्स्ट, मीन्स इसके अंदर दो टर्म है टी और डीएस, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, और फिर सेकंड का क्या लिखेंगे, सेकंड डेल्टा पी, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट का सेकंड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मींस एंट्रोपी इज कांस्टेंट, इक्वल्स टू क्या होगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसका फर्स्ट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, और इसका सेकंड लिखोगे डेल्टा एस, और जो इसके साथ में चेंज है मीन्स पी है वो चेंजेबल है और ये क्या आ जाएगा इसके साथ में कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपने को मैक्सवेल रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। तो देखिए दूसरी इक्वेशन और लिखते हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं, डी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये फर्स्ट मान लिया और ये इसको क्या मान लिया अपन ने, सेकंड। तो क्या करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट मीन्स डेल्टा टी, फिर सेकंड का सेकंड मीन्स डेल्टा वी, और फिर फर्स्ट का सेकंड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो उसको क्या लिखोगे, एस। ऐसे ही माइनस है तो माइनस लगा दोगे, सेकेंड का जो फर्स्ट है वो क्या लिखोगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, फर्स्ट का सेकेंड क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर जो चेंजेबल है वो वी, वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ गया, सेकेंड अपनी इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन देखिए मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर, डेल्टा ए इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, फिर क्या आएगा, माइनस पी डी वी, ओके। इसमें आप क्या लिखोगे वो देखो, इसको मान लिया फर्स्ट और ये अपना क्या है, सेकेंड, तो फर्स्ट का फर्स्ट लिखोगे तो माइनस डेल्टा एस, फिर सेकेंड का सेकेंड डेल्टा वी, और फिर फर्स्ट का जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू, इसमें भी माइनस है तो माइनस लगा दोगे, फर्स्ट डेल्टा पी प्रेशर के अंदर चेंज डिवाइडेड बाई फर्स्ट का सेकंड जो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और इसका चेंज क्या होगा, वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, वॉल्यूम। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये अपनी थर्ड मैक्सवेल रिलेशनशिप हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ जो इक्वेशन है वो देखिए, डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ठीक है। ये अपनी फोर्थ इक्वेशन है। अब इसके अंदर अपने को वही करना है, ये फर्स्ट टर्म मान ली और ये जो है क्या है, सेकंड, इस टर्म को सेकंड मान लिया। अब अपन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, ओके, फिर नीचे क्या लिखोगे, जो सेकंड टर्म है उसका सेकंड, सेकंड का सेकेंड, और कांस्टेंट में क्या लिखोगे, जो फर्स्ट टर्म है उसका सेकेंड, फर्स्ट टर्म का
सेकेंड। इस तरीके से अपने को क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो देखिए जो पहले अपन ने किया है, तो देखिए इसमें भी करते हैं, माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इक्वल्स टू प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन आ गई मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। चार इक्वेशन मैक्सवेल जो हैं वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फिफ्थ इक्वेशन देखिए, फिफ्थ इक्वेशन के अंदर वही अपने को सबसे पहले चार मैक्सवेल इक्वेशंस अपने को पता होने चाहिए, डी एस माइनस पी डी वी। इसके लिए अपन ने यूलर रूल जो पढ़ा है उसके अंदर क्या पढ़ा है कि जो जी डी जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। मीन्स टी और पी की वैल्यू अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मीन्स यहाँ पे क्या करना है, एम और एन की वैल्यू। तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसको कांस्टेंट मान लोगे। जैसे आप इसको कांस्टेंट मान लोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे, डी जेड अपॉन डी एक्स एट कांस्टेंट वाई। और एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसको कांस्टेंट मान लोगे, तो क्या लिखोगे, डी जेड अपॉन डी वाई एट कांस्टेंट एक्स। तो सेम टू सेम अपने को इस इक्वेशन के अंदर करना है, मीन्स अपने को एक तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब आप टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो टी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, डी ई अपॉन टी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो जो ये दो सेकंड टर्म है उसको कांस्टेंट मानोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे डी एस, और सेकंड टर्म के अंदर जो चेंजेबल है वो कौन है, वी, तो ये क्या हो जाएगा, वी। और ये पॉजिटिव है पहली टर्म इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड देखो पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डी ई, ठीक है, और P कैसा है, नेगेटिव, तो आप पे नेगेटिव लगा देंगे। और T कैसा था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव है, डी अपॉन P की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर जो चेंजेबल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसके अंदर जो डी भी क्या आ जाएगा, इसके नीचे, और जो कांस्टेंट है वो क्या लगा देंगे अपन बाहर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी वी, और किस पे, एट कांस्टेंट एंट्रोपी पे। तो ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई। इस तरीके से क्या होगा, हर इक्वेशन के लिए दो दो डेरिवेटिव्स अपने को कैलकुलेट करने हैं, तो वो देखिए आगे। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, डी एच इक्वल्स टू टी डी एस माइनस वी डी पी। तो इसके अंदर एक टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक माइनस वी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखिए टी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी एच अपॉन डी एस, और कॉन्स्टेंट किस पे, प्रेशर पे। और माइनस वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डी एच अपॉन डी पी, और एट कांस्टेंट किस पे, एंट्रोपी पे। ओके, तो इजी सा है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके साथ में जो चेंजेबल टर्म है उसको अपने को रखना है, और बाकी के जो टर्म्स है सेकेंड टर्म उसको क्या कर देना है, कांस्टेंट। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड क्या है, डी ए इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। इसके अंदर एक एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक पी की। तो सबसे पहले देखिए माइनस एस की वैल्यू कैसे करोगे, डी ए अपॉन इसके साथ में डी टी है तो डी टी लिख दोगे, और जो सेकंड टर्म है उसके अंदर जो चेंजेबल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वी। और ऐसे ही माइनस पी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो डी ए अपॉन क्या लिखोगे, डी वी, और एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। इजी है। फोर्थ के अंदर देखिए, फोर्थ जो इक्वेशन है वो अपनी किसकी है, डी जी की। तो डी जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस डी टी माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। अब इसके अंदर भी एक एंट्रोपी वाली और एक वॉल्यूम की टर्म को अपने को कैलकुलेट करना है। तो एंट्रोपी के लिए देखिए माइनस एस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी जी अपॉन इसके साथ में कौन है, डी टी, और कॉन्स्टेंट जो सेकेंड टर्म हो जाए उसका चेंजेबल क्या है, पी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर। सेकेंड देखिए V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डी जी अपॉन डी पी लिखोगे, और कांस्टेंट क्या लिखोगे, टेम्परेचर। इस तरीके से देखिए इसके अंदर सारे सारे इक्वेशन के अंदर क्या हो गया, अपन ने दो दो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। अब इन दो दो इक्वेशंस का अपने को रिलेशन बनाना है, वो आगे देखिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेटिव मैक्सवेल रिलेशनशिप अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने को ये चार इक्वेशन जो मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं वो अपन ने क्या लिख लिया, चारों को लिख लिया। इसके बाद में क्या करना है कि अपने को जैसे मान लीजिए वन और
टू इक्वेशन लेंगे पहली और दूसरी इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू से क्या करना है, इसमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों के अंदर. तो दोनों के अंदर जैसे आप टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दोनों की क्या कर सकते हो, आप इक्वल कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगा. तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट के अंदर देखिए डी ई अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सेकेंड के अंदर डी एच अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगा. तो क्या लिख सकते, इक्वल करके लिख देंगे डी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो ये अपना एक मैक्सवेल रिलेशनशिप आ गया है. अब ऐसे ही कोई भी दो इक्वेशन को लेकर के अपना दूसरा मैक्सवेल रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है वो देखिए. मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया अपने, अब फर्स्ट एंड थर्ड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड से. तो फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर देखिए पी है वो क्या है, सेम है. इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड से अपन पी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए सेकंड जो मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे तो फर्स्ट अपनी क्या है डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी, और थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी डी ए इक्वल्स टू क्या है माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी. तो इसे ये वाली टर्म अपने को कैलकुलेट करनी है. तो क्या करोगे, पहले माइनस पी होगा तो डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी. सेकेंड टर्म से जब आप पी कैलकुलेट करोगे इस थर्ड इक्वेशन से, ये थर्ड इक्वेशन है ये फर्स्ट है, जब इससे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा डी ए अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, अब इनके भी के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल. तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो ये जो अपनी इक्वेशन आई है वो क्या है, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशनशिप आया है. ठीक है, और जो थर्ड मैक्सवेल रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए क्या था, पी कॉमन था. आप क्या लेंगे, ऐसा लेंगे जिसके अंदर क्या हो कुछ कॉमन हो, जैसे थ्री और फोर्थ ये वाली इक्वेशन है. थ्री और फोर्थ लेंगे तो क्या है एस इनके अंदर कॉमन है तो एस की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए आगे. तो ये अपनी थर्ड इक्वेशन है और ये अपनी कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है. तो इसके अंदर दोनों के अंदर क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे. तो माइनस एस फर्स्ट से निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और यदि सेकेंड इक्वेशन से आप निकालोगे तो क्या आएगा डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. फिर दोनों को इक्वल कर दोगे, जैसे आप दोनों को इक्वल करोगे तो क्या लिखोगे डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. जब इन दोनों इक्वेशन से अपने को क्या मिलेगा, फ्रॉम वन एंड टू से क्या मिलेगा, ये वाली रिलेशनशिप मिलेगा. और ये अपना कौन सा रिलेशनशिप है, मैक्सवेल का थर्ड वाला रिलेशनशिप है. अब अपने को एक और रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, वो अपन कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं. जिसमें देखिए मान लीजिए मैंने टू और फोर्थ इक्वेशन से क्या बना लिया, एक रिलेशन बनाएंगे. तो टू इक्वेशन कौन सी थी अपनी, टू नंबर पे कौन सी लिखी थी, डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी लिखी थी. एंड फोर्थ पे क्या था डी जी इक्वल्स टू माइनस डी एस डी टी प्लस वी डी पी. तो इनके अंदर कॉमन कौन है, वॉल्यूम. तो इसके लिए वॉल्यूम फर्स्ट इक्वेशन से वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी. सेकेंड से जब निकालोगे तो क्या आएगा डी जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. फिर इन इक्वेशन को क्या करना है अपने को, इक्वल करना है. तो क्या लिखोगे, फ्रॉम वन एंड टू, कौन सी वन और टू, ये वन है अपनी और ये क्या है टू. तो इनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगा. तो क्या लिखोगे डी जी अपॉन डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डी जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो ये जो चार मैक्सवेल रिलेशनशिप अपन ने कैलकुलेट कर ली हैं, तो बहुत ही इजी वे में अपने को कैलकुलेट करना है. याद क्या रखना है, यूलर्स रूल याद रखना है, जिसके अंदर एम और एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. और दूसरा जो यूलर्स रूल का जो पॉइंट था वो क्या था, इनके क्रॉस जो डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं.